तो आज दोस्तों सुबह के टाइम हम अपनी बकरियों को ना ये वाली सब्जी खिलाने वाले हैं। यहाँ पर पालक के पत्ते भी हैं, मूलियाँ भी हैं, गाजर भी है, भाई बहुत ज़्यादा सब्जी है। तो आज हमारी बकरियों को सुबह का नाश्ता ये वाली सब्जियाँ मिलने वाली हैं। जल्दी से हम इनको बनाते हैं और अपनी बकरियों को देते हैं, बहुत ही शौक से खाएंगी दोस्तों। दरअसल हमने एक भाई के जिम्मे लगाया, उनको बोला कि भाई आपके पास जो भी सब्जी बचती हो ना वो हमें दे दिया करें, हम अपनी बकरियों को खिलाया करेंगे। तो ये वाली सब्जियाँ वहाँ से आई हैं, तो ये अब मैं जल्दी से बनाता हूँ, इनको काटता हूँ और देते हैं अपनी बकरियों को। तो कुछ सब्जियां तो मैंने दोस्तों काट ली हैं और ये सारी की सारी जाएंगी इस खुरली में, और देखिएगा हमारी बकरियां किस तरह से भाग के आएंगी और सारी 5 मिनट के अंदर अंदर खा लेंगी। आ जाओ भी, आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही मजे का खाना लेके आया हूँ मैं, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। ये देखें यार अब कैसे आएंगी ये, ऐसे जी, ये देखें मजे मजे की सब्जी है। क्या हुआ यार फियाज भाई, ईंट मार दी लड़के ने यार। यार ध्यान से काम किया करे ना, जल्दबाजी क्या है, इसको जरा दबाएं दबाएं, इसको प्रेशर दें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। यार फियाज भाई को ना ईंट लगाते हुए चोट लगी है, ये देखें खून भी जम गया है इस नाखून में ना, ये काफी पेन देता है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बाहर आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, बस 10-15 मिनट तक ठीक हो जाएगा, अभी आप इजी रहें। ओए यार अभी ना हम अपने शेर की गुफा में आए हुए थे और यहाँ पर ना हम अपने लायन के घर का फर्श लगा रहे थे, और फर्श लगाते हुए फियाज भाई के नाखून पर ईंट लग गई है, जिसकी वजह से मैंने फियाज भाई को बोला फियाज भाई आप रेस्ट करें। फियाज भाई ज़्यादा मसला तो नहीं है, ठीक हो जाएगा ना, चलें चलें आप इजी रहें, पानी ले आऊं, ये लें फियाज भाई। चले यार फियाज भाई फिर से काम पे लग रहे हैं, इनका पेन अब खत्म हो गया, तकरीबन 10 मिनट वेट किया है, फियाज भाई ने बोला भैया मैं ठीक हूँ अब मैं काम कर लेता हूँ। फियाज भाई जल्दी से फर्श लगाएं, बस जल्दबाजी नहीं करनी, मैंने वैसे ही जल्दी बोल दिया है, आराम आराम से लगाएं, काम करें, कोई चोट वोट ना आए मजीद आपको, ठीक है। चले यार फर्श तो लग जाएगा, उसके बाद हमारे लायन की छत भी बन जाएगी, उसका भी काम शुरू हो जाएगा आज। और यहाँ पर सिप्तान पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिप्तान क्या डिस्कस हो रही है यार, बच्चों का काम नहीं है, बड़े जब बात करो बीच में नहीं आते, जाओ बताओ ना क्या बनवा रहे हो ना आप? वो जानवरों की जो खाने वाला वो ना, हाँ, खुरली, उसका थोड़ा रेनोवेशन कर रहे हैं, वो छोटी है वो, तो एक है ना, दूसरी भी बनवानी है ना अभी, हाँ दो बनवानी, हाँ वो भी बना, और यहाँ पे किचन का काम कब होगा ना ये तो बताओ, होगा पहले छोटे काम कर लें, बड़ा काम है, लकड़ी सारी आ गई, वो देख लो सारी पड़ी है। यार लकड़ी का सामान हमारा रात को आ गया था, सिप्तान कल लेने गया हुआ था ना, तो वो रात को लेट पहुंचा था, तो हमने यहाँ पर रखवा दिया था। ये देख रहे हैं आप दोस्तों ये बड़े बड़े फट्टे हैं, ये देखें ये सारा सामान लगेगा हमारे किचन में, यहाँ पर हम किचन बनवा रहे हैं, तो वो भी बन जाएगी, और वहाँ पर बहुत ही मजे मजे के हम खाने बनाया करेंगे अपने एनिमल्स के लिए, खुद के लिए, तो बहुत मजा आएगा। तो बस यार थोड़ा सा वेट करें, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनवानी है, अब मौसम भी अच्छा हो गया है, फियाज भाई अब फ्री हो गए, उन्होंने बोले भैया जो जो काम कराना है मुझे करा लो, मेरा पीछे वाला काम सारा अब खत्म हो गया है, आपने जो बनवाना है जल्दी से बनवा लो। तो फियाज भाई भी काम पे लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारा लकड़ी का काम भी हो रहा है काफी दिनों से, तो यार बहुत मजा आएगा आगे। हाँ भाई अंडा दे रही हो आज फिर से, है पिछले दिनों तो कूड़े खोई थी, इतना जल्दी फिर अंडों पर आ गई तुम, अंडा तो नहीं दिया हुआ तुमने, है अंडा देने वाली हो भाई, ये तो अच्छी खबर होगी यार। यार पिछली दफा इसको हमने कूड़क पर नहीं बिठाया था क्योंकि हमारे पास अंडे नहीं थे, इस दफा जो भी अंडे ये देगी ना हम इसको अंडों के ऊपर जरूर बिठाएंगे। यार हमारा मोर ना बहुत ही खतरनाक जगह पर आ गया, ये डॉग से घर के ऊपर बैठा हुआ है और ये नीचे सारे इसको ही देख रहे थे कि कब ये नीचे गिरेगा, स्लिप होगा और हम इसको खाएंगे। यार ये बहुत गलत कह रहे मोर, इस साइड पे ना आया करो, तुम्हारी वो साइड है, इधर पंगे लेने आया हो तुम ही मरोगे, उनको कुछ नहीं होने वाला, हुई 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 हुई। इस साइड पे ना आए, बस ये मैं देख रहा हूँ इसको भगाता हूँ, बच गया बच गया। यार मैं भी ऊपर जा रहा हूँ मोर को पकड़ने के लिए, ये ना कि नीचे गिर जाए। इधर उधर आ गया, अच्छा यार उस साइड पे चला गया,
यार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारी नई वाली बकरियां नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक ही खड़ी हुई है, बाकी कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी खाली है, सामने भी खाली है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। प्याज भाई आपने देखी है, आप में से किसी ने कौन ले गया है? बकरे किधर है हमारी? मुझे क्या पता, बकरियों का बताओ किधर है। अबे यार किस साइड पे गए हैं पता है आपको? यार त्राव लोग ना बकरे लेके गए, मैं तो अभी ढूंढता हूँ कहाँ पर है वो। मुझे लगता है बकरे चराने गए होंगे, उनको बाहर का घास खिलाने, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है ना, सारे दरख्त सब्ज हुए पड़े हैं, घास ही घास है हमारी पूरी सोसाइटी में। तो अभी ढूंढता हूँ किस साइड पर गए। यार तो आपको देखा है आपने बकरे लेके? चलो देखते हैं। हाँ हाँ मिल गया भाई, मिल गया। ये खड़े हाँ भाई, क्या कर रहे हो? अबे ये जहरीला पौधा तो यही खिला रहे उनको, ये जहरीला पौधा है भाई जान। पूरा आधा घंटा हो गया मैं अपनी बकरियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, और देखो कितना शौक से घास खा रही है सिप्तैन। अच्छा उनको देखो तो सही, उई उई। भाई इतना फास्ट फास्ट खाना खा रही है ना, घर हाँ। में इतना फास्ट खाना नहीं खाती जितना अच्छा। यहाँ पर खा रही हैं। ये तो बहुत अजीब बात है फिर। दरअसल इनको आदत थी ना बाहर घूमने की। अच्छा इनको बाहर लेके जाते थे देहात में ना। अच्छा घूमती रहती थी वहाँ पर खाना खाती थी। हमने तो इनको मम्मी डैडी बनाने की कोशिशों में है ना। हाँ भाई हमारी बकरियां आवारा बकरियां थी, हमने इनको समझा हुआ था घर में रहने वाली थी, लेकिन ये घूमने फिरने वाली आवारा बकरियां थी। आवारा आवारा नहीं, ये तो तुमने गांव से ली थी। हाँ ना मतलब भाई जाते थे सुबह सुबह। अच्छा इनको चराते थे ऐसे पूरे अपने अच्छा। इलाके में। तो तुम भी चराओ ना। था गली का जो भी होता था खेतों में हाँ। वो खाती थी जैसे अब खा रही है, तभी हेल्दी हो जाती है। हर किस्म का पौधा खाती है ना इस वजह से। तो अभी डॉक्टर साहब ने आना है पता है तुम्हें? नहीं। हाँ वो थोड़ी देर तक आएंगे, फिर चलते हैं एक साथ इनको लेके जाते हैं। बस 20 मिनट के बाद मैं आता हूँ, ठीक है? इनको फिर घर में लेके आता हूँ और हाँ। अल्ट्रासाउंड कराते हैं भाई। चलो ठीक है आज भाई, हमारे हमारी सारी बकरियों का ना आज अल्ट्रासाउंड होने वाला है, पता चल जाएगा भाई कितने बच्चे किसके पास हैं, देने वाली हैं कि नहीं देने वाली। सर यहाँ पर मैंने देखा अभी ना जू में हमारे डॉक्टर आ चुके हैं जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करना, एक यहाँ पर बाइक खड़ी है एक वहाँ पे खड़ी है। तो अभी मैं हाँ ये कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? वो तुराब लेके गया हुआ है बकरियां, मैं उसको बुलाता हूँ ठीक है? आप अपना वो लगाएं जो मशीन वगैरह होती है ठीक है? आप तुराब लेके बुला लें, ठीक है? बकरियां वगैरह इकट्ठी करें आप, ठीक है? हाँ मैं ले आता हूँ। हाँ जी बताओ भाई, हो गया यार। खिला लिया खाना इनको बाहर का? डॉक्टर साहब नहीं आए? आ गए हैं वो, इसलिए तो आया हूँ मैं। चलो भाई चलो चलो टाइम आ गया है, चेक करते हैं सबका। इतना शरीफ है, इतना शरीफ है ना हाँ। सारी लाइन में जाती हैं और सीधा घर जाएगी। वाओ और देखो तो सही जरा, ये देखो यार ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। चलो 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 यार मैं देख रहा हूँ बाकी में नहीं डर रही, बिल्कुल आदी है, मतलब इंसानों से मानूस है और आराम से जा रही है घर की तरफ, समझदार है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों हमारी बकरियां गोट फार्म में आ चुकी हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और यहाँ पर हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन भी आ चुकी है, तो अभी चेक करेंगे। आपको वैसे क्या लगता है डॉक्टर साहब के लग रही हैं प्रेग्नेंट? वैसे दो तीन तो मुझे लग रही हैं, आपको क्या लगता है? देखें 50-50 है, आगे आपका नसीब है। चले यार चेक करते हैं। सिप्तैन एक एक करके मैं बकरी दूंगा, तुमने फिर सही से फिर दिखाना है सबको, ठीक है? मैं बकरी पकड़ता हूँ ना, एक एक करके डॉक्टर साहब को दूंगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप ये भी बताएंगे कि इसमें कितने बच्चे हैं? तकरीबन ठीक है देखेंगे। माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। हैं इतना जल्दी पता चल जाता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। अच्छा 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 ये जैसे ही रखता हूँ ना तकरीबन पता चल जाता है। सही बात, बाज होते हैं जो सस्पेंस में डाल देते हैं। सही है हाँ, क्योंकि किसी किसी का होता है इशू, पता चल रहा है। ठीक है देखे हाँ हाँ ये है ये कहाँ पे ये शयान को नजर आ रहे हैं। यार यहाँ पे इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कितने बच्चे थे वैसे? तकरीबन दो है, दो है। कल मैंने तुम्हें बोला था ना इस बकरी का। अच्छा और इसका तो पता चल गया था वैसे भी, देखते हैं। हाँ चलो 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 भाई तुम तो जाओ लीड हाँ। दे देना एक। अब इसकी बारी है यार, इसका देखते हैं। यार एक गुड न्यूज तो मिल गई, हमारी काली वाली बकरी कन्फर्म गब्बन है। गब्बन वो क्या होता है? बच्चे देने वाली है यार। चलो जी तो भाई अब इस बकरी की बारी है, इसको देखेंगे डॉक्टर फिर बताएंगे भाई क्या सिचुएशन है इसकी। प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। अच्छा ये भी बच्चे देगी? कितने बच्चे नजर आ रहे हैं?
इसका एक दो बच्चा मेरे ख्याल में छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहे, बस छुपन छुपाई खेल रहा है, पकड़ो इसे। अच्छा अच्छा चलो, एक या दो इसके भी है ना। जी ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसकी बारी, इसकी 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 इसकी। यार ये मेरी सबसे फेवरेट बकरी है, तुम्हें पता है। इसको भी चेक करा लेते हैं ना, मुझे लगता है सारी प्रेग्नेंट है भाई। मुझे ठीक है, चार लग रहे हैं इसमें। चार लग रहे हैं। कितने बच्चे दोगी हैं? हो गया दिए, तुम्हारा मतलब मेरे बच्चे जितने दूं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, इसमें तो मुझे हार्ट बीट है, ये देखें। वो कह रहे हैं बच्चा अंदर है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है उनको, हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही है बच्चे की, मतलब पता चल रहा है साफ। इसमें भी बच्चे हैं, तीन हो गए, तीन हो गए, बाकी रहती हैं चार। ठीक है भाई, तीनों की तीनों हैं। अब बारी है दोस्तों मेरी फेवरेट बकरी की। ये बकरी मुझे सबसे अच्छी लगती है, और अब इसको चेक करने वाले हैं कि ये भी माँ बनने वाली है या नहीं। चले डॉक्टर साहब, इसका भी चेक कर, नहीं करो छायान। हाँ जी, अभी देखेंगे इसको भी, गौर से देखना पड़ता है यार, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। अभी देखते हैं, सींग नजर तो आ रहे हैं मुझे। सींग नजर नहीं आएंगे आपको, सींग नहीं होते बच्चों के। चलो भाई मुबारक हो। हाँ सही है भाई, इसमें भी दो तीन बच्चे होंगे, है ना। इस बार आपकी बकरियां सारी प्रेग्नेंट मिल गई हैं। सही है, सही चलो है। चार हो गए भी, बच्चे देने वाली हैं चार बकरियां हमारी, बाकी अब रहती हैं तीन, उनको भी चेक करा। ठीक है ठीक है भाई, थोड़ा मिठाई के इंतजाम करो जल्दी से, पूरे जुम्मे मिठाइयां बांट दो बस। हाँ भाई, तुम भी खुशखबरी देना, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। हाँ अभी देखते हैं यार इसका भी, इसमें तो साफ नजर आ रहे हैं यार, ये देखें दो बच्चे, दो बच्चे अंदर हिल रहे हैं, आपको लेफ्ट राइट गौर से देखें। ओए ओए माशाल्लाह यार, इसमें साफ नजर आया, बाकी में साफ नजर नहीं आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल शेन आपको भी नजर आएंगे, वो देखें। और आपको दोबारा देखें कितना गौर से। हाँ हाँ जी, अभी लास्ट है थोड़ा, ये लास्ट बकरी यार, इसकी भी खुशखबरी मिल जाए तो मतलब मजा ही आ जाएगा यार। दे दे यार, दे 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 दे, अभी बना रही है बच्चा। अब दो डॉक्टर हैं, इनमें कंफ्यूजन हो रही है, वो एक भाई कह रहे हैं कि है, एक कह रहे हैं नहीं है, अब क्या होगा। अब भाई देखो क्या कहते हैं, लास्ट बकरी पे डाउट हो गया भाई दो डॉक्टर्स के बीच में। अभी देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं। वो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, नहीं है, देख लें फिर, रिकॉर्ड हो रहा है फिर, अगर आ गए ना बच्चा। वो कह रहे हैं, आप कह रहे नहीं है, अब बताएं, लास्ट चांस है जी डॉक्टर साहब। हाँ प्रेग्नेंट है जी भाई, ये भी बच्चे देने वाली, ये भी माँ बनने वाली है। चलो जी, सारी की सारी बकरियां एक और रहती है यार, ये तो कौन सी रहती है। अबे ये भी होगी फिर, उसको देख के ये शर्म कर लेगी, ओके मैं भी देती हूँ। एक साथ इतनी खुशखबरियां यार, मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया। अच्छा वो सस्पेंस में उसने डाल दिया था, दो महीने की है। अच्छा अच्छा चलो जी, इसका भी देख लेते हैं। आओ जी करीब करो, ये भी नजर आ रहा है, वो देखो वो देखो घूम फिर रहे हैं। इसमें भी बच्चे आपको साफ नजर आ रहे होंगे, ये देखिए श्यान नजर आया कुछ। कुछ नजर आ रहा है अंदर, हाथ लगाओ कहाँ पे है, बच्चा दिखाओ। ये भी श्यान दिखाएगा आपको, बिल्कुल बच्चे कान है। यार श्यान को भी समझ आती जा रही है भाई, अच्छी बात है। हाँ भाई, हाँ भाई, हो गई मुबारक हो, सारी बकरी हमारी माँ बनने वाली। भाई सब जो काम करना ना यहाँ पर, सबको मुबारकबाद देते हैं और मिठाई भी लेके आते हैं। आ जाओ चलो मिठाई बांटते हैं यार, हमारी सारी की सारी बकरियां माँ बनने वाली हैं। तो हम दोस्तों मिठाई लेकर आ गए, और सबसे पहले मुंह मीठा करेंगे हम डॉक्टर साहब का, क्योंकि इन साहब ने हमें दी है खबर ये वाली। चलें डॉक्टर साहब, आप ये उठा लें, जितना दिल करे उठा लें। आप भी लें सर, अब सबको इधर भी दबा दो। ये लें भाई, ये लें, मुंह मीठा कर लें। हमारी बकरियों ने बच्चे देने, माशाल्लाह से हमें बहुत बड़ी खबर मिली है जी। खैर मुबारक, मुंह मीठा कर लें भाई, मुंह मीठा कर लें। हमारी बकरियों ने बच्चे देने, और सारी सारी बकरियां बच्चे देने वाली हैं। खैर मुबारक, खैर मुबारक, दुआ करें खैर खुशी से वो सही सलामत पैदा हो जाए बस। ये लें फिर भाई, जितना दिल करे उठा लें, आप तक खबर पहुंच गई है। अच्छा ये लें, अच्छा सही है भाई, ये लें भैया, खैर मुबारक। हाँ हाँ हाँ, उठाएं उठाएं उठाएं, आपके ही और उठाने तो उठा लें। ये दो उठा लो आप, आपने कौन सा मोटे हो जाना है। यार मुझे तो दो ना।
अब मैं भी अपना मुंह मीठा करने वाला हूँ। असली बंदे को तो दिया नहीं, किसको? जग्गू साहब को। ये लो जग्गू। यार बैठा था यार। चलो आ जाओ यार उधर, भाप भैया वगैरह सबको देना, तुम लेके जाओ, जाओ भागो। तो यार मैंने सोचा बाकी की मिठाई ना बकरियों को ही खिला देते, क्योंकि इनकी वजह से तो खुशी आई है हमें, तो इनको ये खाना चाहिए, इनका हक बनता है। तो आपसे पूछे बगैर एक तो इसने ले ली। हाँ हाँ ये लो, मुंह मीठा करो। तो यहाँ पर देखिए ना, हमारे लायन हाउस की ना जो वाइल्ड हाउस हमारा बन रहा है, इसका ये जो कमरा है हमारे लायन का, उसकी छत देखिए आप, यहाँ पर टीयर गटर वगैरह लग चुके हैं, क्योंकि इसकी छत बनाना पहले जरूरी है, उसके बाद बाकी के काम होंगे। तो अभी आज का काम ना मजदूर भाई ले करके चले गए हैं, और कुछ सामान और भी लाना है उन्होंने, क्या भी सामान आ जाए फिर हम काम करेंगे। तो आज सामान भी आ जाएगा बाकी का, और बाकी का काम भी कल से यहाँ पे ना स्टार्ट हो जाएगा इधर बनना। बाकी यार जू को देखें यार, हर जगह पर काम ही काम हो रहा है, लकड़ी लकड़ियाँ, और इधर भी काम हो रहा है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर फियाज भी ने इस फर्श को ना बराबर कर रहे हैं। पहले यहाँ पर घास था, आपने देखा होगा ऊपर नीचे ऐसे गंदा मंदा था, अभी जो है ना ये भी फाइनल हो गया है, बिल्कुल सीधा प्लास्टर कर दिया है। और यहाँ पर लकड़ी का काम है अगला, वो जो भाई वहाँ पर बना रहे हैं ना, ये लकड़ी पड़ी हुई है, और उधर जो बना रहे हैं वो हमारे कबूतरों का बना रहे हैं। अभी कटिंग वगैरह करें आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से कल से जो प्रॉपर शेप्स आना शुरू होगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बिल्कुल ऐसे कचड़ा कबाड़ है भाई, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारा जू बहुत ज़्यादा प्यारा बनने वाला है, कुछ दिनों की बात है, ये सारा कचरा वचरा साफ हो जाएगा और हर एक जगह पर एक प्यारा सा घर होगा। जी हाँ, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।